नमस्कार, एससी न्यूज की खास बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली के स्वरूप नगर के रसायन गोदाम में लगी भीषण आग, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मशहूर गुजराती फिल्म कलाकार जगेश मुकाती का 47 साल की उम्र में सांस की समस्या के कारण हुआ निधन। सांस की बीमारी के कारण कई दिनों से थे अस्पताल में भर्ती। नेपाल पुलिस ने की सीमा पर अंधाधुंध गोलीबारी, हादसे में 4 भारतीयों को लगी गोली और एक ने गवाई अपनी जान। द लैंसेट ने अपनी रिपोर्ट में जताई आशंका, कहा कोरोना वायरस से दुनिया भर में हो सकती है 5 से 10 करोड़ लोगों की मौत। भारत में कई जगह प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों से पीपीई किट और N95 मास्क के लिए वसूल रहे हैं लाखों का बिल। मजबूर होकर कोरोना के मरीज लोन लेकर चुका रहे हैं निजी अस्पतालों के बिल। बंगाल में हुक से शवों को घसीटने पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, भारत जैसे देश में शवों के साथ ऐसा कृत्य देखकर आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। धनंजय मुंडे के पॉजिटिव पाए जाने के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट पर बना कोरोना का खतरा। नियमों का उल्लंघन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, किसी को भी क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं। पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर फिर तोड़ा सीज फायर, गोलीबारी में उरी के एक नागरिक की हुई मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 जून को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के मामलों का जायजा लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे मीटिंग। कोरोना से ठीक होने के 5 दिन बाद 93 वर्षीय उर्दू कवि गुलजार दहलवी का हुआ निधन। दिल्ली की आजादपुर मंडी में उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बाजार में भारी भीड़ के साथ ट्रैफिक भी देखने को मिला। अमेरिका में भारतीय मूल के एक डॉक्टर ने कोरोना रोगी महिला का फेफड़ा किया प्रत्यारोपित। विश्व के 213 देशों में 76 लाख से भी ज्यादा लोग हुए कोरोना से संक्रमित, अब तक 4.25 लाख से ज्यादा की हुई मौत, वहीं 51% मरीज हुए ठीक। इंदौर में चोरों ने मृतक को भी नहीं छोड़ा, मौत के बाद कोरोना मरीज की काटी जेब, अस्पताल से मोबाइल और पर्स किए गायब। अब भारत और चीन के बीच हो रहा है मोबाइल युद्ध, पिछले एक साल में 4 करोड़ से भी ज्यादा फोन मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद भारत दे रहा है ड्रैगन को कड़ी टक्कर। देश में 3 लाख के पार हुए कोरोना केस, वही महाराष्ट्र में भी संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1 लाख के पार। यूपी में मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की मिली धमकी, योगी आदित्यनाथ की तत्कालीन बढ़ाई गई सुरक्षा। अमेरिका में अब नौकरी पानी हो सकती है और भी मुश्किल, H-1B वीजा प्रोग्राम पर रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बीजिंग में कोरोना के 3 नए मामले सामने आने के बाद चीन में महामारी की दूसरी तरंग की जताई जा रही है आशंका। सरकार ने शुरू की एक नई पहल कोरोना से लड़ने में, अब IAS और IPS अधिकारी भी डॉक्टर्स के यूनिफॉर्म में आएंगे नजर। आज का एससी न्यूज का सवाल, कोरोना से बढ़ती मौतों को सरकार क्यों छुपा रही है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।